हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू TGSE लर्निंग प्लेटफॉर्म. आई होप डैट यू आर सेफ एंड योर फैमिली इन योर होम. सो आई एम हियर टू टीच यू हिंदी लैंग्वेज चैप्टर टिल चैप्टर 11. यू हैव कम्प्लीट योर कोर्स. सो नाउ सी चैप्टर 12, पेज नंबर 52. चैप्टर 12, पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिसके शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अमृत, सुधा, सोम, अमीय, अमी आदि. देखिए, पर्यायवाची को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं. और देखिए, पर्यायवाची शब्द उनको कहा जाता है जो एक शब्द से बहुत सारे शब्द बनते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द. कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो. आकाश को हम लोग क्या क्या कहते हैं? नव, व्योम, गगन, आसमान. धरती को पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुंधरा. ईश्वर को भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश. राजा को नप, नरेश, भूप, भूपति. मित्र को साथी, सखा, सहचर, दोस्त. देवताओं के बोलते देव, सुर, अमर, विबुध. चंद्रमा को चांद, शशि, राकेश, मयंक. देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? एक वर्ड को बहुत सारे नाम से जान रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द. ओके, बाकी आप लोग खुद पढ़िएगा और लर्न भी करिएगा. ओके, नाउ सी पेज नंबर 53. नाउ सी द एक्सरसाइज क नंबर. दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने. अभी मैंने बताया था कि एक नाम के बहुत सारे नाम होते हैं, तो इनका एक नाम आकाश है, आकाश को क्या क्या कहते हैं वो हमको लिखना है. ठीक है, ये सारे आप एक्सरसाइज खुद सेल्फ फिल करेंगे. ठीक है ना. नाउ सी ख नंबर, रिक्त स्थानों में पर्यायवाची शब्द भर कर वाक्य पूरे करो. इसमें क्या करना है आपको? पर्यायवाची शब्द फिल करना है, इससे आपको सेंटेंस को फिनिश करना है. नाउ सी दिए गए चित्रों में संबंधित शब्दों को उनके सामने लिखो. देखिए, इसमें क्या है, आपको पिक्चर दी गई है, इसको आइडेंटिफाई करके उसके नाम लिखने हैं कि इस पिक्चर को हम लोग क्या क्या बोलते हैं. ओके, सो नाउ सी चैप्टर 13. ओके, चैप्टर 13, पेज नंबर 54, विलोम शब्द. अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द क्या होता है. विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात एक दूसरे के विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं. विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं. ओके, अब देखिए, विलोम शब्द उनको कहा जाता है जिनका उल्टा होता है. जैसे बैड, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने बैड. बैड का क्या हो, बैड का देखिए, जैसे हम लोग बोल देते हैं कभी कभी कि ये गंदा है, तो गंदे को, बैड को हम लोग क्या बोलते हैं? गंदा. इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? बैड का क्लीन, मतलब साफ. तो इसमें क्या करना है हमको? अपोजिट, जिसको उल्टा बताते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विलोम शब्द. जैसे इसमें दिखा है सच, झूठ, अपना, पराया, आशा, निराशा, सुख, दुख, अपमान, सम्मान, अपमान, आदर, निरादर, यश, अपयश, आदान, प्रदान, मित्र, शत्रु, सत्य, असत्य, कोमल, कठोर, महंगा, सस्ता, प्रकाश, अंधकार, पच, विपच, धनी, निर्धन, विष, अमृत, पाप, पुण्य, जय, पराजय, ज्ञानी, अज्ञानी, शुद्ध, अशुद्ध, जन्म, मृत्यु. ठीक है, बाकी ये जो है आप खुद पढ़ेंगे और इसको लर्न भी करेंगे. ओके, आपने फर्स्ट टर्म में भी विलोम शब्द पढ़े थे, सेकंड टर्म में भी पढ़े थे, और प्रीवियस क्लास में भी आपने विलोम शब्द पढ़े हैं. सो ये जो आपके विलोम शब्द दिए गए हैं, इनको आपको लर्न करना है. नाउ सी पेज नंबर 55, एक्सरसाइज. क्या दिया गया है? दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखो. इनके हम लोग क्या करना है? विलोम शब्द. हानि क्या क्या होता है? लाभ, अपना, पराया, उदय, अस्त, सुख, दुख, आदान, प्रदान. दिए गए वाक्यों में विलोम शब्द पर घेरा बनाओ. इसमें क्या करना है? जो आपका विलोम शब्द है उसको क्या करना है? आपको सर्कल करना है. ओके, नाउ सी ग नंबर, रेखांकित शब्दों का विलोम रिक्त स्थानों में लिखो. ठीक है, जन्म का क्या होता है? मृत्यु. प्रश्न का उत्तर. उदय का अस्त. कठिन, सरल. आशा, निराशा. दिए गए फूल में विलोम शब्द मिलने. इसमें क्या आपको विलोम शब्द बनना? आदान का क्या होता है? प्रदान. संयोग का वियोग. प्रकाश का अंधकार.
दयालु का निर्दयी, शुद्ध का अशुद्ध। ओके, देखिए बच्चे, जितनी आपकी एक्सरसाइज है इनकी आपको PDF सेंड कर दी गई है, सेंड या फिर आपको सेंड कर दी जाएगी। ओके, सो नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, टुमारो वी विल मीट एट द नेक्स्ट क्लास। ओके।